उत्तर प्रदेश रो पेंशन नियम को नहीं बड़ निष्पत्ति योगी सरकार 28 मार्च 2005 मसीहा पूर्व जो सबू निजुक्ति विज्ञापन बाहर से निजुक्ति पाई लोके पुराना पेंशन सिस्टम को विकल्प भाव नहीं पारे। यह छड़ा पेपर लिक मामलें कड़ा आईन आनी उत्तर प्रदेश सरकार धरा पड़े 1 कोटी पर्यंत जरिमाना सहित 2 वर्ष आजीवन जेल दंडर व्यवस्था रही। राज्य में वृक्षरोपण अभियान अनुसार 35 कोटी वृक्षरोपण चारा मागणा बंटन करने को निष्पत्ति कैबिनेट से लैंड पुलिंग नीति को मंजूरी प्रदान कर योगी सरकार। योगी कैबिनेट द्वारा निया अन्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति गुड़िक रही। अयोध्या टाटा सन द्वारा 650 कोटी टंका व्यय मंदिर संग्रहालय निर्माण अतिरिक्त 100 कोटी अन्य विकास कार्य हम एथपाई उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1 टंका जमी लीज्रे जोगाइबे। साकम्बरी देवीधाम विकास कर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। लखनऊ प्रयागराज और कपिलावास्तु में पीपीपी मॉडल हेलीपोर्ट निर्माण हो। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रस्ताव को योगी कैबिनेट मंजूरी भी मिली। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजन मागणा लैपटॉप बंटन कर उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971 अनुसार राज्यर सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम परिवर्तन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देती। टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ प्रयागराज कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।